व्हाट्सअप गाइस, मुंबई स्टाइल भेल पूरी बना रहा हूँ। सूखी भेल, गीली भेल और सेफ पूरी, सारी रेसिपीज़ बनाने वाला हूँ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सामान लगता है चाट के लिए, होती है चटनियाँ। सारी चटनियाँ बना रहा हूँ, सूखी चटनी सूखी भेल के लिए, तीखी वाली हरी चटनी गीली भेल के लिए, रेड गार्लिक चटनी और साथ में खट्टी और मीठी गुड़ इमली और खजूर की चटनी। ये सारी चटनी आप सीख जाओगे यही वीडियो में, जिससे आप बहुत ही अमेजिंग वाली मुंबई स्टाइल भेलपूड़ी घर पे बना सकते हो। लेट्स डू दिस। सूखी वाली चटनी बन गई है सूखी बेल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ये सूखी बेल अच्छी बनाने के लिए घर पर, तो ये ज़रूर बनाना। ये वाली चटनी को आप एक दो हफ्ते के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो फ्रिज में, एयरटाइट कंटेनर में, और यूज़ कर सकते हो बार बार। इसके बाद गीली चटनी बनानी है तीखी वाली गीली बेल के लिए, तो वो बना लेता हूँ। हमारी तीखी वाली हरी गीली चटनी बन गई है। ये वाली जो चटनी है ये गीली भेल और सेवपुरी में यूज़ होगी, सूखी भेल में नहीं यूज़ होगी। ये वाली जो चटनी है ये हमारी नॉर्मल रेगुलर जो हम घर पे हरी चटनी बनाते हैं उससे काफ़ी अलग है, जो कबाब्स के साथ भी खाते हैं। इसमें ये वाली चटनी में धनिया और पुदीना कम और हरी मिर्च ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वाली चटनी को बहुत स्पाइसी बनाना होता है। इसका रीज़न ये होता है कि हम जब भी घर पे चाट बनाते हैं, अगर हमको स्पाइसी चाहिए तो हम फिर अपनी नॉर्मल वाली चटनी डालते रहते हैं, और फिर वो ग्रीन चटनी का फ्लेवर आता है जो अच्छा नहीं लगता है चाट में। हर एक चटनी का अपना रोल होता है चाट के अंदर। ये वाली जो स्पेसिफिक चटनी है ये स्पाइस लेवल बढ़ाने के लिए ऐड की जाती है, ना कि वो चटनी वाला फ्लेवर देने के लिए। तो ये वाली चटनी बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होती है, इसलिए इतनी मिर्ची इसके अंदर गई है। और आप कम क्वांटिटी में डालोगे तो आपका वो स्पाइस लेवल परफेक्ट हो जाएगा और आपकी चाट अच्छी बनेगी। तो इसको रिप्लेस मत करना अपनी नॉर्मल चटनी से, वरना आपकी चाट अच्छी नहीं बनेगी। ये वाली चटनी ज़रूर बनाओ, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। नेक्स्ट जो चटनी है वो रेड गार्लिक चटनी है, वो बना लेता हूँ। रेड गार्लिक चटनी रेडी हो गई है। ये वाली चटनी गार्लिक का फ्लेवर देती है चाट में। अगर आपको गार्लिक फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है सबको ही पसंद होता है, तो ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है आपकी चाट में। इसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखना है तो फ्रीज़र में रखिए, एक महीने तक चल जाती है फ्रीज़ करके रखेंगे तो। नॉर्मल फ्रिज में रखोगे तो एक दो या तीन दिन मैक्स चल जाती है, तो वैसे आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो लास्ट चटनी है, जो खट्टी मीठी गुड़ इमली और खजूर की चटनी है, वो बना लेता हूँ।
गुड़ इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी बन गई है। इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान देना है कि ये खट्टी मीठी में मीठा ज़्यादा होता है, खट्टा कम होता है, वरना आपकी चाट बहुत खट्टी हो जाएगी। तो इमली का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो कम, इतनी जितनी मैंने बताई है उतनी यूज़ करनी है इमली। ज़्यादा इमली कर दोगे तो आपकी चाट जो है बहुत ज़्यादा टैंगी और खट्टी हो जाएगी। ये वाली चटनी जब भी आप टेस्ट करोगे, यू शुड गेट मोर ऑफ दैट स्वीटनेस एंड लेस ऑफ दैट सावरनेस, तो ये बात का ज़रूर ध्यान दो। ये वाली भी चटनी आप स्टोर करके रख सकते हो, नॉर्मल फ्रिज में 2-3-4 दिन तक रह जाती है। आपको ज़्यादा समय तक स्टोर करनी है तो फ्रीज़र में रखो। वैसे फ्रिज में भी टिक जाती है, लेकिन हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, फ्रिज बहुत ज़्यादा खुलता है, तो कभी कभी ये चटनी ख़राब हो जाती है क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड किया है। फ्रीज़र में रखोगे तो 1-2 महीने आराम से टिक जाती है। छोटे छोटे पोर्शंस में रख दो, जब भी चाट बनानी है बाहर निकाली और यूज़ कर ली। तो सारे कॉम्पोनेंट्स रेडी हो गए हैं। अभी मैं कुरमुरे को थोड़ा सा रोस्ट करने वाला हूँ और फिर उसके बाद चाट बना लूँगा। मुरमुरा मैंने थोड़ा सा टोस्ट कर लिया है, इसको मुरमुरा भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। इसको टोस्ट इसलिए किया है क्योंकि अभी मुंबई में ह्यूमिड बहुत होता है क्लाइमेट और कभी कभी सॉगी हो जाता है, तो टोस्ट करने से बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाते हैं। इसको अच्छे से ठंडा करके फिर आपको भेल बनानी है। अभी सारे कॉम्पोनेंट्स रेडी हैं, अभी मैं सूखी भेल बना रहा हूँ सबसे पहले, तो सूखी भेल बना लेता हूँ अभी। सूखी बेल रेडी हो गई है, बहुत डिलिशियस, एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनी है। इसमें जो स्पाइस लेवल है वो कंट्रोल कर सकते हो आप, जो पाउडर वाला हमारी सूखी चटनी है वो जितनी ज़्यादा डालोगे उतनी तीखी बनेगी आपकी सूखी बेल। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके ऊपर है, आपको जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने कर सकते हो, कुछ ऑप्ट आउट करने हैं ऑप्ट आउट कर सकते हो। मेरे को आलू सबसे ज़्यादा पसंद आता है भेल के अंदर, इसलिए मैं ज़्यादा डालता हूँ। केरी भी ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि मुझे केरी भी बहुत पसंद आती है। इसमें और एक वर्जन कर सकते हो आप, कॉर्न, बॉइल्ड कॉर्न, पोमोग्रेनेट, स्प्राउट्स, जो हमारे मूंग होते हैं स्प्राउटेड मूंग, ये सब डाल सकते हो, अनार डाल सकते हो और दूसरा वर्जन बना सकते हो। इसमें कई वर्जन है सूखी भेल के, आप जो ट्राई आउट कर सकते हो। ये बेसिक वर्जन मैंने बनाया और ये भी बहुत डिलिशियस लगता है। नेक्स्ट अभी गीली भेल बना रहा हूँ तो वो बना लेते हैं फटाफट। Thank you.
गीली भेल रेडी हो गई है और बहुत डिलिशियस बनी है ये भी। आप ज़्यादा गीली बनाना चाहते हो तो चटनी और ऐड कर दो, थोड़ी सूखी बनाना चाहते हो तो चटनी कम कर दो, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से खट्टा मीठा तीखा सब बैलेंस कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो रेसिपी है वो सेवपूरी है, क्योंकि सेम कंपोनेंट्स होते हैं तो मैं बोला सेवपूरी भी बना लेते हैं, तो अभी नेक्स्ट सेवपूरी जो है वो प्लेट कर लेते हैं। सेव पूरी भी बन गई और हमारी तीनों जो भेलपूरी वाली रेसिपीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और सारी रेसिपीज़ बहुत ही डिलिशियस बनी हैं। आप ज़रूर ट्राई करना अपने घर पे। अभी एक मुंबई में जो चाट खाते हैं हम लोग, भेलपूरी खाते हैं, आपको तो पता ही है रिचुअल होता है, जो बाहर रहते हैं उनको पता है कि नहीं पता है। हम चाट खाने के बाद, भेलपूरी खाने के बाद सेव कुरमुरा खाते हैं, तो उसमें थोड़ा कुरमुरा जाता है और सेव जाता है तो चाट मसाला जाता है और वो हम फ्री मांगते हैं भेलपूरी वाले भैया से और खाने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं वो बना के खा रहा हूँ अभी। और एक चीज़ होती है जो सूखी भेल और गीली भेल में एक पूड़ी मिलती है जो पापड़ी भैया देते हैं हमको, वो हम लास्ट तक बचा के रखते हैं और यूजुअली जब भी हम शेयर कर रहे होते हैं किसके साथ तो वो पापड़ी पहले खा जाते हैं और झगड़े हो जाते हैं सच्ची में, और मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है तो मुझे कॉमेंट्स में बताओ, आई लाइक टू नो। और मैंने आपको ये रेसिपी बताई है स्ट्रीट फूड वाली, मुझे स्ट्रीट फूड रेसिपीज़ रिक्रिएट करने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि मेरी कुकिंग जर्नी स्ट्रीट फूड वीडियो, स्ट्रीट फूड खा खा के और सीख सीख के वैसे ही मैंने कुकिंग शुरू की। तो 2020 में तो हम बाहर खा नहीं पाए पैंडमिक की वजह से, अभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स वापस आ गए हैं रोड्स के ऊपर हमें सर्व करने के लिए। तो मैंने आपको रेसिपी बताई ज़रूर है, लेकिन आप जब भी सपोर्ट कर पाओ आपके घर के आजू बाजू वाले स्ट्रीट फूड वेंडर्स को तो ज़रूर करना, बिकॉज दे नीड योर हेल्प, दे नीड योर सपोर्ट टू रिवाइव एंड ब्रिंग बैक यू नो एवरीथिंग व्हाट दे हैव लॉस्ट इन 2020। तो ज़रूर उनको सपोर्ट करना जो मुंबई के बाहर रहते हैं और उनको मुंबई स्टाइल भेलपूरी खानी है, तो वो ज़रूर ट्राई करो आप। आई एम श्योर दैट यू विल इन्जॉय दिस मुंबई स्टाइल भेलपूरी एक्सपीरियंस एट होम, एंड मेरी रेसिपी जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई करना। मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट कौन सी स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी मैं आप सबके लिए रिक्रिएट करूँ YFL पे। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट, हैव एन अमेजिंग टाइम प्रेपिंग दिस मुंबई स्टाइल भेलपूरी रेसिपी एट होम। चीयर्स।